प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है www.bestsexualogistdoctor.com और नमस्कार, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और आज आप लोगों को मैं जो एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि सेक्स टाइमिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं कि सर कैसे हम सेक्स टाइमिंग को बढ़ाएं, और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आने हैं सर प्री मेच्योर इजेकुलेशन का क्या ट्रीटमेंट है परमानेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सेक्स टाइमिंग क्या होना चाहिए, हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, ऐसे हजारों क्वेश्चंस के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं और इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं। तो देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, पूछते हैं व्हाट इज द राइट टाइम या एक्चुअल टाइम, मतलब कितना टाइम हम सेक्स कर सकते हैं, मतलब कितना एक नॉर्मल टाइम होना चाहिए सेक्स का। तो देखिए, सबकी बॉडी की एज है, वेट, उनकी लाइफ स्टाइल को ऐसा सेट रूल नहीं है कि आप कितना टाइम सेक्स कर सकते हैं। ये प्री मेच्योर इजेकुलेशन से काफी डिफरेंट है। सबसे पहले टाइमिंग का सवाल है, आपका जो सेक्स टाइमिंग होना चाहिए जितना आप सेटिस्फाइड हो जाओ और आपका पार्टनर सेटिस्फाइड हो जाए। बहुत सारे मैरिड भी आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। बहुत सारे कपल्स आते हैं शादी के बाद, वो बोलते हैं सर हम अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमें खुद भी सेटिस्फाइड नहीं, मेरी वाइफ भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो शीघ्र पतन एक ऐसी प्रॉब्लम है आज बढ़ती जा रही है। बहुत सारी सेक्स प्रॉब्लम्स होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, मगर सबसे मेन प्रॉब्लम अभी जो मेरे सामने आ रही है वो है प्रीमैच्योर इजेकुलेशन यानी शीघ्र पतन। और इसका सबसे मुख्य कारण है हस्तमैथुन, जिसको मास्टरबेशन का नाम दिया गया है। और मास्टरबेशन एक ऐसी मिथ है लोगों के मन में, अभी भी एक मिथ है लोगों के मन में, भ्रांति है कि मास्टरबेशन करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले जो एक बच्चा 13-14 साल 15 साल की उम्र में आता है, बहुत सारे उसको दोस्त मिसगाइड कर देते हैं और वो मास्टरबेशन को आदि बना लेते हैं। जब मास्टरबेशन आदि हो जाता है वो बेड पे मास्टरबेशन करने लगता है उल्टा लेट के। और आज अगर एक मैं फैमिली हेल्थ क्लिनिक का डायरेक्टर हूं तो मेरा बताना मुझे फर्ज है कि आज सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज इंडिया में सेक्स एजुकेशन की कमी है। अब वो जो बच्चा 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल तक लगातार मास्टरबेशन करता है और जब उसको अकेलापन लगता है, मतलब जब वो बाथरूम में जाता है, नहाने जाता है, तो नहाते समय वो जल्दी जल्दी मास्टरबेशन करने लगता है। उसके मन में एक डर आता है कि कोई मुझे देख न ले या कोई मुझे टोक न दे या मुझे कोई रोक न दे। तो जब उसको परिवार वाले या उसके कोई अटेंडर उसको अटेंशन देने की कोशिश करते हैं कि तुम इतनी देर बाथरूम में क्या कर रहे हो, उसके मन में डर आ जाता है और डर के कारण गलत तरीके से मास्टरबेशन कर देता है और यही कारण है नसों में ढीलापन होने जाने। आज उस बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं इंडिया में जो आज प्रॉपर सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से गलत तरीके से मास्टरबेशन करते हैं और ये सबसे मुख्य कारण है प्री मैच्योर इजेकुलेशन का। जब वो मैरिड लाइफ में आते हैं तो उन लोगों को शीघ्र पतन का अनुभव होने लगता है, वो सेक्सुअलॉजिस्ट को ढूंढते हैं और नीम हकीम के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। मगर आज एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्स करना जो उसको शुरू, वो उसको नेचुरल सेक्स नहीं बोलते, मास्टरबेशन गलत तरीके से करने से ये प्रॉब्लम आती है। तो आजकल जो ज्यादातर मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं वो 20 से 25 साल के केसेस आ रहे हैं, 25 से 30 साल के, और सिर्फ हस्तमैथुन किया है उन्होंने और लगातार करा है हस्तमैथुन, और उसकी वजह से एक लेसिवियस थॉट्स बना रहता है दिमाग में, कमजोरी फील होती है, थकान फील होती है, बैकएक की प्रॉब्लम होने लगती है, कमर दर्द, और एक बोल सकते हैं निराशावादी हो जाता है, आशावादी से निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता वो, डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है। सोच के देखिए कि जब उसके मन में एक चीज आ जाती है कि मैं अब पुरुषार्थ हो चुका हूं, मेरे अंदर एक सेक्सुअल पावर की कमी हो चुकी है, वो तनाव बढ़ता जाता है और वो जब सेक्स करने की कोशिश भी करता है शादी के समय वो प्रॉपर सेक्स नहीं कर पाता, और जब वो प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ पाएगा, वीर्य में पतलापन आ जाएगा या प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की जो मैं बात बता रहा हूं ये सबसे मुख्य कारण हो जाता है। उसका मेन कारण है कि 40-50% जब वो सेक्स करते हैं से पहले जो हस्तमैथुन की क्रिया कर रहा था इतने साल से, उसमें थोड़ा बहुत इरेक्शन फिर भी आ जाता था और उसका विचार आते थे ब्लू फिल्म देखना, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करना, मन में विचार लाना, उससे उसका इरेक्शन फिर भी आ जाता था। मगर जब वो नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ में जाता है तो बिल्कुल इरेक्शन चला जाता है, और जब पूरा इरेक्शन चला जाता है बिल्कुल ढीलापन आ जाता है, शीघ्र पतन और जल्दी बढ़ता रहता है। धीरे धीरे शीघ्र पतन की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि उसकी जिंदगी में वैवाहिक जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। तो मैं शादी से पहले जो वस्तुमैथुन की क्रिया बता रहा हूं जो बच्चों करते हैं, और शादी के बाद
जब वो एक करियर के प्रति बोल सकते हैं कि तनाव में आ जाते हैं, उनका करियर नहीं बन पाता है, अब वो शादी हो जाती है, एक उम्र है उनके ऊपर दबाव होता है कि शादी कर लो, शादी करने के बाद भी वो अपनी वैवाहिक जीवन नहीं जी पाते और उस समय की स्थिति बहुत खतरनाक इसलिए हो जाती है कि मन में एक टेंशन रहता है क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है परिवार की। तो इंसान जब जॉब करता है, फिजिकल वर्क करता है, मेंटल वर्क करता है, उसके दिमाग में ये चीज आता है मैं सेक्स नहीं कर सकता, तो उसकी पूरी जिंदगी निराशावादी हो जाती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा मेन जो प्रॉब्लम है वो है मास्टरबेशन, सेकेंड कारण है स्ट्रेस टेंशन, थर्ड है हार्मोनल प्रॉब्लम्स जिसको जेनेटिक बोल सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसको हम क्योर कर सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज है। मगर शीघ्र पतन का सबसे ज्यादा जो कारण मेरे सामने आया है और मैंने जो रिसर्च करी है उसका कारण है मास्टरबेशन। तो मास्टरबेशन गलत तरीके से करना हमें छोड़ना चाहिए। और आज आपके सामने मैं जो इलाज बता रहा हूं वो मॉडर्न होम्योपैथिक जर्मन ट्रीटमेंट, जिसमें हम 100% क्योर के हिसाब से तनाव का ना आना, शीघ्र पतन हो जाना या लिंग में टेढ़ापन होना या लिंग का साइज छोटा हो जाना, पतलापन आ जाना, धात आ जाना, धात रोग के भी बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और धात रोग एक मेजर कारण है आगे जाके प्री मैच्योर इजेकुलेशन का। मैरिड लाइफ में आने के बाद ये सब चीजें समझ में आती हैं। पेनिट्रेशन करने से पहले ही जब वो संभोग करने जाता है उससे पहले ही शीघ्र पतन हो जाता है, या योनि भेदन के थोड़ा समय, योनि भेदन के बाद थोड़े समय में ही शीघ्र पतन हो जाता है, इजेकुलेशन हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो अपने एक नजदीकी क्वालिफाइड सेक्सुअलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मॉडर्न होम्योपैथिक डॉक्टर, एमडी डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ लोग भ्रांतियां होती हैं, कुछ लोग ऑन काउंटर जाके मेडिकल स्टोर पे जाके सिलिडेनाफिल, टेडिलाफिल, वर्डेनाफिल या कुछ स्प्रे यूज कर लेते हैं या कुछ क्रीम्स यूज कर लेते हैं। ये सभी ड्रग्स हैं, ये साइड इफेक्ट कर देते हैं लीवर पे भी, किडनी पे भी। तो मैं कभी भी इन ड्रग्स का सेवन करने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि बिना डॉक्टरी सलाह के अगर आप ये सब ड्रग्स ले रहे हैं, सिलिडेनाफिल या कुछ अलग अलग ड्रग्स टाइप के ले रहे हैं, तो ये सब साइड इफेक्ट्स हो जाता है। थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि कड़कपन आ गया, थोड़े समय के लिए लगेगा टेडिलाफिल लेने के बाद कि प्रीमैच्योर इजेकुलेशन ठीक हो गया, मगर परमानेंट क्योर नहीं होगा। इसके लिए आपको एक मॉडर्न होम्योपैथिक जर्मन ट्रीटमेंट, इसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट, एक प्रॉपर एक्सरसाइज और रिस्टोरेशन के लिए या जो डिटॉक्स ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं वो आपको लेना पड़ता है। और काउंटर जॉब पे जाके, मेडिकल पे जाके ये सब दवाइयां लेना एक बहुत हानिकारक चीज है। तो आज शीघ्र पतन को दूर करने के लिए बहुत सारे मेरे पास आते हैं, स्प्रे भी यूज करते हैं, बोलते सर स्प्रे यूज कर रहे हैं, मैन फोर्स लेकर आए हैं, अलग अलग ब्रांड की दवाइयां खा के आते हैं। तो मेरा ये आपसे यही कहना है कि डर कर नहीं, डटकर हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम से सामना करना है। और आप हमारे सेक्सुअलॉजी सेंटर में आना चाहें तो हमारा सेक्सुअलॉजी सेंटर का हेल्पलाइन नंबर +91 इंडिया का 9893064165 ये रजिस्टर्ड नंबर है, bestsexualogist.com। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको आज से तनाव मुक्त रहना है। हस्त मैथुन अगर कोई बच्चे अभी भी कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टॉप कर दें, बिल्कुल स्टॉप, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है अब आपको, बिल्कुल हस्त मैथुन से दूर रहना है। दूसरा, जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस बहुत लोग अपने इंडिया में आपने सुना होगा पोर्न साइट्स बैन कर दिए, आज फिर भी लोग कॉपी करके पोर्न वीडियोस देख रहे हैं, तो उसको पोर्न वीडियोस को बंद करना है देखना। और आपको नेचुरल सेक्स करने की आदत डालनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो नेचुरल सेक्स मतलब अपने पार्टनर के साथ आप भरपूर सेक्स कर सकते हैं, उससे आपका सेक्स टाइम बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो नेचुरल सेक्स जो प्राकृतिक सेक्स है उससे एक प्रॉपर स्टेमिना बढ़ता है, उससे प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी दूर हो जाता है। कोई परेशानी नहीं है, अगर आपकी शादी हुई है आप डर रहे हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपका शादी होने के बाद भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए, हमारे पास आइए, मगर करें तो नेचुरल सेक्स करें, इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े, टेम्परेरी बेड मास्टरबेशन, हेड मास्टरबेशन, इन सब के चक्कर में ना पड़े। तो लास्टली एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक में अवेलेबल है, मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या होता है शीघ्र पतन में आपको बता चुका हूं, कैसे कंट्रोल किया जाता है मैं आपको बता चुका हूं। और आप हमारे सेंटर में आएंगे, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर टेस्ट की जरूरत है तो मैं आपको टेस्ट लिखता हूं, नहीं तो मैं बिना टेस्ट के टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर आपको मेडिसिन सजेस्ट करता हूं। होम्योपैथिक मेडिसिन एक डायटरी सप्लीमेंट के तौर पर भी आप ले सकते हैं,
लाइफ स्टाइल चेंजेस हम करते हैं, योगा एक्सरसाइजेस आपको बताते हैं, मैं कुछ मेडिसिन आपको बताना चाहूंगा शिखर पतन की, बहुत ही मैजिकल मेडिसिन है एविना सटाइवा, इसका कॉमन नेम होता है कॉमन नोट, और ये एविना सटाइवा एक इतनी अच्छी मेडिसिन है जो मेंटल फटीग डिप्रेशन में पेशेंट आ जाता है, एंजाइटी में पेशेंट आ जाता है, कंसंट्रेशन लूज हो जाता है और हेडेक बना रहता है, इंपोर्टेंसी फील करता है, नपुंसकता फील करता है, या इनएबिलिटी टू डिले एजेकुलेशन, यानी वो रोक नहीं पाता, एजेकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है और अल्कोहलिज्म का उसको प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसा पेशेंट एविना सटाइवा मेडिसिन बहुत अच्छी काम करेगी मदर टीचर फॉर्म में। एग्नस कैक्टस दूसरी मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका कॉमन नेम है चार्सेट्री, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये भी पुअर मेमोरी और फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ दिस नाइटफॉल और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम आना, ये सभी कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए मेडिसिन तो बहुत सारी है, बेरेटा कार्ब है, चाइना है, कोनियम है, सेलिनियम एक टॉप ग्रेड मेडिसिन है, सेलिनियम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, मगर पोटेंसी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सल्फर एक वीकली डोज हम जरूर देते हैं, साथ में ग्रेफाइटिस है अगर कुछ इंजुरी और कुछ इन्फेक्शन है या एक स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा है तो उसमें देते हैं। कालीब्रोम हम बच्चों को बहुत जबरदस्त मेडिसिन का रोल है, कालीब्रोम। न्यूफरलुटियम मदर टेंचर के रूप में बहुत अच्छी मेडिसिन है, साथ में नक्स वोमिका एक मेजिकल मेडिसिन है जिसमें कॉन्स्टिपेशन में ऑबेसिटी भी होती है, एल्कोहलिज्म भी जो लोग ज्यादा लेते हैं, या एसिड फॉल जिसमें धातु पतला होने लगता है, हस्तमैथुन करने की वजह से वीर में पतलापन आ जाता है, तो एसिड फॉल बहुत अच्छी मेडिसिन है। देखिए सबसे पहले मेडिसिन तो बहुत सारी है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में, आपको सबसे पहले हाइजीन मेंटेन रखना है, जो आपका अंदर का पोर्शन होता है उसको ग्लैंड्स बोलते हैं, लिंग के अंदर का पार्ट, चमड़ी को पीछे करके रोज उसमें आप आराम से कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल से मसाज कर सकते हैं, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, जब आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको सबसे पहले अपनी एथलेटिक बॉडी, अपनी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखना है, डाइट बिल्कुल आपको फ्रेश लेनी है, डिटॉक्स डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रूट्स डाइट लेनी है, वेजिटेबल डाइट लेनी है, और आपको क्या नहीं करना है, कॉफी टी ज्यादा नहीं पीनी है, आपको अल्कोहल ज्यादा नहीं पीना है, आपको कंजप्शन ऑफ अल्कोहल भी बहुत दिक्कत करता है, गार्लिक नहीं लेनी है, कच्चा प्याज नहीं लेना है होम्योपैथिक दवाई लेते समय, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या नहीं लेना है, क्या क्या लेना है, इसके लिए हम डाइट चार्ट देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ऐसा ही कोई शीघ्र पतन का केस आता है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब तो किया है, इसको शेयर कर सकते हैं जरूरतमंद लोगों को, हमारी वेबसाइट है www.bestsexologistdoctor.com और हमें इसी के लिए बेस्ट सेक्सुअलॉजिस्ट का अवार्ड भी मिला है। मैं उम्मीद करता हूं आज के द्वारा दी गई जानकारी आपको फायदेमंद होगी और ऐसे जरूरतमंद लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। हम अगला नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके जीवन में काम आए ऐसा एक वीडियो लेकर जरूर जल्दी से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं सेक्स से संबंधित या नॉर्मल लाइफ से संबंधित, आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम नया वीडियो लेके जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।